जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, जी बच्चों आज हम करने वाले हैं क्लास में आपकी मैथ चैप्टर आपका जी एक्सरसाइज बच्चे आपकी 3.3 है, क्वेश्चन नंबर 1 है। जी बच्चे क्वेश्चन ये आपके शॉर्ट पेपर में आता है, क्वेश्चन को बच्चे अच्छी तरह देख ले, बड़े आसान सवाल है। जो मुद्दजा ज़ैल को लॉगरिथम के मजमूए या फर्क की शक्ल में लिखे, तो बच्चे सवाल को जो उसकी तरफ देखे तो लिखा है लॉग ब्रैकेट आपके लगाएगी इंटू ए क्रॉस बी, तो ये बड़ा आसान है, आपने इसको जमा या तफरीक की शक्ल में लिखना है। तो बच्चे याद रख लें दो रकमें जब भी आप उसमें मल्टीप्लाई हो रही हो और ब्रैकेट के बाहर आपके लॉग लिखा हो तो उसको आपने जमा कर देना है, और हर रकम के साथ लॉग लगा देना, लॉग ए प्लस आप लिखेंगे बच्चे लॉग बी, बस सही है बच्चे आपका जवाब है। यानी एक लॉग लिखा होता है जिसको बैचलर लॉगरिथम कहते हैं, दो या दो से ज्यादा रकमें आपस में मल्टीप्लाई होती लॉग एक दफा लिखा होता है, अगर ज़र्ब के अलावा तो बच्चे दरमियान में लगा दी गई हो तो आपने हर रकम के साथ यानी इसमें हर रकम के साथ लॉग लिखना है और ज़र्ब को आपने जमा की अलामत में तब्दील कर देना है। कि बच्चों एक ही जुज़ था, अब इसके आप पहले जुज़ कर लें, जुज़ नंबर 3 कर लें, तो इसमें भी देख लें बच्चे बल्कि जुज़ 2 कर लेते हैं, तो बच्चे आप क्या लगाएंगे, पहले बराबर की अलामत लगानी है, इसके बाद आप लॉग लिखेंगे, आप देख लें बच्चे दो रकमें आपस में तकसीम हो रही है, इन बटे में लिखी हुई है, ज़र्ब खारिज आपने जमा लगाना है, लेकिन जब दो रकमें आपस में तकसीम हो रही तो आपने दरमियान में तफरीक की अलामत लगा देनी, तो आप लिखेंगे लॉग 15.2 माइनस लॉग 30.5। बच्चों ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इतने आपका क्वेश्चन है और बोर्ड के पेपर बच्चे आमतौर पर दो नंबर का आ जाता है। जी बच्चे आज इसके चलते हैं जो नंबर 3 की तरफ, जो कि लिखा लॉग 1 है और इसके बाद 25/5 / आपके 8 लिखा हुआ है। तो बच्चों देखिए आपके पास यहाँ पे 3 रकमें हैं, तो जो रकमें आप इसमें ज़र्ब खा रहे हैं उनको जमा लिख दे ऊपर वाले नंबर की तरह, आप लिखेंगे लॉग 25, जमा की अलामत आपने लगानी है, लॉग आपके पास आ जाएगा 5 और 8 बटे में लिखा हुआ है, बच्चे ये आपके पास आ जाएगा माइनस लॉग 8, एक ही लाइन बच्चों आपका हल हो जाता है। जी बच्चे अब हम इसके चलते हैं जुज नंबर 4 की तरफ, बच्चे बल्कि आप छठा जुज पहले कर ले क्योंकि ये सवाल और आपका तीसरा सवाल एक जैसे ही है, तो बराबर की अलामत आपने लगानी है, लॉग है ऊपर वाले दो रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो उनके दरमियान हम जमा की अलामत लगा देंगे, और हर रकम के साथ लॉग 25 लिखा है, लॉग 25 जमा की अलामत लॉग 47 ये आपके बटे में है तो माइनस लगा देंगे बच्चे आपने, माइनस लॉग आपके हो जाएगा 29। यानी अगर रकमें सिर्फ खा रही हो तो उसको आपने हर रकम के साथ लॉग लिखने के बाद जमा कर देना है, और अगर रकम बच्चे बच्चे तकसीम हो रही है तो उसमें माइनस के लगा देंगे, हर रकम के साथ आपने लॉग लगाया है, ज़र्ब को जमा में तब्दील करना है और बटे में अगर लिखे तो उसको आपने माइनस में तब्दील करना है। जी बच्चों अब हम इसके चलते हैं जुज़ नंबर 3 की तरफ, जो कि आपका लिखा है लॉग, और बच्चे देख लीजिए हुकूमत तो भाई शक्ल में लिखा हुआ है और दूसरा सॉरी ये लॉग इतनी शक्ल में लिखा हुआ है, तो सबसे पहले आपने इसको हुकूमत तो माई शक्ल में लिखना है, तो हम लिखेंगे 1/3, ठीक है जी। तो बच्चों 1/3 ताकत जो होती है जब हम हल करते हैं तो ताकत लॉग के पहले आ जाती है, 1/3 इसके बाद शुरू में आ जाएगी, कॉमन हम ले लेंगे, दो रकमें आपस में तकसीम हो रही हैं तो लॉग 7 आपने माइनस के अलावा दरमियान में लगा दे लॉग माइनस के 15, ब्रैकेट बच्चे आपने लाजमी लगा दिए क्योंकि 1/3 आपका लॉग निकला है, आपका ये जवाब भी ठीक है। और बच्चे अगर आप इस तरह इसको लिख लें कि 1/3 इसके साथ भी ज़र्ब खा जाएगा, इसके साथ भी ज़र्ब खा जाएगा, तो 1/3 7/15 के ऊपर पावर है, अब ये 7 की पावर भी 1/3 हो जाएगी और 15 की पावर भी 1/3 हो जाएगी, आप इसको आप किस तरह बच्चे अगर लिखना चाहें तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, दोनों सूरतों में आपका आंसर जो है वो ठीक आ जाए, बच्चे ऊपर वाला आपका ठीक है और नीचे वाला भी आपका ठीक है, यदि 1/3 अगर कॉमन लेकर है फिर आपको बच्चे ब्रैकेट लगानी पड़ेगी, अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाते इस तरह करके लिख देते हैं हर रकम के शुरू में, क्योंकि ये लॉग से पहले आपने 1/3 लगा दें, इस तरह लिख देते हैं तो सिर्फ सूत्र में बच्चे आपका ठीक है और ये मतलब भी आपका ठीक है, इन दोनों में से कोई एक करना है दोनों नहीं करने। जी बच्चों अब हम चलते हैं इसके जो नंबर 5 की तरफ, लिखा हुआ लॉग 22, हम लिखेंगे लॉग 22 उसी तरह ही और इसके पावर ऊपर लिखी 1/3, बटे में बच्चे आपके पास बटे में रकम है 5 की पावर 3 है तो बटे वाली रकम को माइनस लिखते हैं, ये आपके पास जो लॉग और 5 की पावर आपके पास आ जाएगी 3। तो बच्चों आमतौर पर जब लॉग हल किया जाता है तो लॉग जो रकम के ऊपर ताकत होती है वो लॉग से पहले आ जाती है, तो यहाँ पे 1/3 लिखी थी, 1/3 आप पहले लिखेंगे
एक बटा तीन लॉग आपका आ जाएगा 22 माइनस ये आपके तीन शुरू में आ जाएंगे, तीन लॉग आपका आ जाएगा 5 या 5। तो बच्चों ये आपका आंसर है, ये शॉर्ट आपके पेपर में ये दो नंबर का जो पेपर में आता है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।